फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये गेट बेस्ड एक प्रॉब्लम है, इसमें दिया हुआ है अन इंसुलेटेड एयर कंडीशनिंग डक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है तो उस केस में हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालनी रहती। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एल सी इज इक्वल टू होता है 4a/p, ए होता है एरिया, पी होता है पेरीमीटर, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू, एरिया कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 यानी कि 0.66। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हमने निकाल ली। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं, जैसे कि बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है, एमवीटीआर कंडीशन 30 डिग्री सेल्सियस दे रही है, और एयर कैरिंग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, प्रेंडल नंबर, डेंसिटी, और एक यहाँ पे नसेल्ट नंबर भी दिया हुआ 3.4, और ये दिया हुआ टर्बुलेंट हीट ट्रांसफर के लिए नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकाल लेंगे। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यदि ज़्यादा आती है, ठीक है ना, तो उससे हमको पता चल जाएगा डक्ट क्या, एक डक्ट का जो केस होता है उसमें वही रेनॉल्ड नंबर हम यूज करते हैं। माना कि रेनॉल्ड नंबर हम प्लेट के लिए कितना यूज करते हैं, 5 × 10⁵ अप टू हम इतना कितना कंसीडर करते हैं, ये कंसीडर करते हैं कि हमारी जो प्लेट है वो लेमिनार फ्लो है, जबकि पाइप के केस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, रेनॉल्ड इज इक्वल टू हो जाता है 2000। यदि इससे वो रेनॉल्ड नंबर कम आता है तो हम ये मानते हैं कि लेमिनार फ्लो है। तो चलिए यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू ρVL/μ। रो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1.2, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेलोसिटी दी हुई है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यह आ जाएगी 20। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हम निकाल चुके हैं 2/3 यानी 2/3। म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 18 माइक्रो पास्कल दिया हुआ है, पास्कल सेकेंड, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर आता है उसकी वैल्यू आती है 8.888 × 10⁵, यानी कि इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमारा फ्लो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। चलिए अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। नसेल्ट इज इक्वल टू 0.023 इंटू रेनॉल्ड नंबर हमारे पास आ चुका है 8.89, ले लें उसको हम, × 10⁵ की पावर 0.8 इंटू प्रेंटल नंबर हमको दिया हुआ है, प्रेंटल नंबर की वैल्यू दी हुई है 0.73, तो जाएगा 0.73 × 0.33। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है हीट ट्रांसफर पर मीटर लेंथ। तो यहाँ से हमको एच मिल जाएगा, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास 0.023 का, जब आप इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1189.17। ठीक है, अब नसेल्ट नंबर हम जानते हैं इक्वल टू होता है HLC/K इक्वल टू 1189.17। अब आप K की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, K की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0.025 और LC हम निकाल चुके हैं जो कि है 2/3। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो H की वैल्यू आपके, चलिए वैल्यू पुट ही कर देते हैं ना यार, करेंगे क्या, 1.7 × 0.025 डिवाइड बाय कितना है 2/3। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, H की वैल्यू आ जाएगी 44.64 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है, बस आपके पास वैल्यू आ चुकी है। अब इन्होंने पूछा है हीट ट्रांसफर पर मीटर लेंथ, तो ये बोल रहे हैं कि जो हीट कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र होगी उसका फॉर्मूला लगा दीजिए H into। अब देखिए H into एरिया,
एरिया यहाँ पर जो आएगा ना वो पेरीमीटर वाला एरिया होगा, क्योंकि जो डक्ट रहती है ना वो रेक्टेंगुलर रहती है शेप में, कुछ इस तरह की डक्ट रहेगी, है ना? ठीक है ना? तो जो एरिया लेते हैं जिससे कि हीट ट्रांसफर होती है वो ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला, ये 6 पार्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर वाला एरिया, जो कि हो जाएगा कितना, हम निकाल चुके हैं 3, ये हो जाएगा ना 2 × 1.5 × 3 हो जाएगा, और एच की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 30 − 20, तो एच की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 44.64 × 3 × 10, तो आपके पास जो फाइनली हीट ट्रांसफर रेट आएगा वो आएगा 1139 वॉट, तो यही आपको निकालना था। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपकी। यदि आपके पास रेनॉल्ड नंबर आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा टर्बुलेंट फ्लो है कि लेमिनार फ्लो है। यदि फ्लो लेमिनार रहता तो ये वाला नसेल्ट नंबर हम यूज कर लेते, लेकिन फ्लो हमारा टर्बुलेंट होगा इसलिए हमने ये वाला यूज किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ हीट इज जनरेटिंग इन अ 4 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड बार थर्मली इंसुलेटेड एट एंड्स, है ना? द टेम्परेचर एट सेंटर एंड एट द सरफेस इज मेजर्ड टू बी, ये सेंटर का टेम्परेचर दिया हुआ है और ये सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ है। द रेट ऑफ हीट जनरेशन विद इन द वॉर इन वॉट, अब उसके अंदर कितनी हीट जनरेट हो रही है वो हमको निकालनी है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला तो ये होता है, टी एस इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय 4 के, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आता कहाँ से है वो भी आपको निकालना पड़ेगा, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये है इसको कट कर दो, कट कर दीजिए इसको क्योंकि ये गलत हो गया है हमारा। ये फॉर्मूला होता है टी नॉट इज इक्वल टू टी डब्ल्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय 4 के। अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला ड्राइव होके कहाँ से आया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टी नॉट कितना दिया हुआ है, मतलब कि सेंटर का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 210 इज इक्वल टू 45 प्लस क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू हमको निकालना है, रेडियस कितनी दी हुई है 0.02 डिवाइड बाय 4 × k की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.4, ठीक है ना? हाँ ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू आएगी आपके पास 3.96 MW/m², ठीक है? ओके अब लेकिन हमको तो हीट जनरेशन निकालना है वॉट में, लेकिन ये आ रहा है कितना, वॉट/m³। तो हम क्या करेंगे, टोटल हीट जनरेशन निकालने के लिए क्यू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, तो क्यू कितना है 0.96 × रॉड का वॉल्यूम क्या होता है π/4 × d². डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना? तो 0.04 का² × लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या इतना करेंगे 0.12। तो यहाँ पर जो टोटल हीट ट्रांसफर की वैल्यू आएगी वो आएगी 597.15 वॉट, ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इस टिपिकल क्वेश्चन की तरफ कि ये फॉर्मूला ड्राइव होके कहाँ से आया है, ठीक है? ओके तो जैसा कि हम जानते हैं सिलेंडर के केस के लिए जो वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r ∇/∇r(r)dT/∇r, ये सही से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, 1/r ∇/∇r(r)dT/∇r इज इक्वल टू होता है -Q/K।
ये उस केस में होता है जब हमारे पास स्टडी स्टेट विथ हीट जनरेशन होती है इक्वेशन, ठीक है। ओके, अब इस आर का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाय डेल आर, आर डेल टी बाय डेल आर इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बाय के। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस क्यू आर स्क्वायर बाय टू के प्लस सी। ओके, अब इस आर को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू माइनस क्यू आर बाय टू के प्लस सी अपॉन आर, ठीक है। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस क्यू आर स्क्वायर बाय फोर के प्लस सी वन एल एन आर प्लस सी टू, क्योंकि दूसरा सी वन आ जाएगा इसलिए सी को जीरो कर दिया। अब हम लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बॉल है, इसके सेंटर पर हीट जनरेशन हो रहा है। जब भी बॉल होती है उसके सेंटर पर हीट जनरेशन होता है तो जो प्रोफाइल रहेगी वो रहेगी पैराबोलिक। अब वहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट सेंटर पे जीरो है, यानी कि जब आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, यानी कि ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, 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 यानी कि सी वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जीरो, ठीक है। सी वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब एक और कंडीशन हम पुट कर सकते हैं, जब आर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो टेम्परेचर सेंटर का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा और ये टेम्परेचर कितना होगा 210। ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सी ऑलरेडी जीरो है। तो जो सी टू की वैल्यू है, सी टू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 210, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सी वन की वैल्यू जीरो आ चुकी है और सी टू की वैल्यू कितनी आ चुकी है 210, तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस क्यू आर स्क्वायर बाय फोर के प्लस सी टू की वैल्यू कितनी आ चुकी है 210। जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे कितनी, एक रॉड दी हुई है हमारे पास, ठीक है, इसकी जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 0.02 मीटर। जब आप यहाँ पे 0.02 मीटर पुट करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 0.02 का स्क्वायर बाय 4 इंटू के कितना दिया हुआ है 2.4 प्लस टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 210। देखिए यही वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, क्यू को इधर लेके जाएंगे और इस वाले टर्म को इधर लेके जाएंगे और इस वाले को इधर लेके आएंगे तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा 210 प्लस 45 इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यही वाला आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव होकर आया था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ है स्टील रॉड ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंडक्टिविटी दी हुई है और हीट डिसिपेशन रेट दिया हुआ है इंक्लूडिंग हीट लॉस फ्रॉम द टिप। अब इसमें टिप से भी हीट लॉस हो रहा है इस फिन में, फिन का केस है ये स्टील रॉड में, और जिसकी टिप से भी क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जनरली जो फिन का फॉर्मूला होता है हीट ट्रांसफर का वो होता है क्यू इज इक्वल टू एम के ए थीटा नॉट टेन एच एम एल, ये फॉर्मूला होता है। या इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट एच पी के ए थीटा नॉट टेन एच एम एल। लेकिन इसमें इसने क्या दिया, टिप से भी हीट लॉस हो रहा है तो ये एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हम कैसे निकालते हैं, एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस डी बाय फोर, ठीक है। ये आपको निकालनी है, ये डी बाय फोर कहाँ से आया मैं आपको बता देता हूँ। जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालने के फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बाय पेरीमीटर, फिन के केस का रहेगा ये। अब
क्योंकि बायोट नंबर में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम बाय एरिया, ओके। लेकिन फिन के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का फॉर्मूला होता है एल सी इजिकल टू ए बाय पी। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू पाई डी, पाई डी से पाई डी कैंसिल हो जाएगा है ना, आपके पास बच जाएगा डी बाय फोर। तो ये वहीं से आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो लेंथ कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर कितना दिया हुआ है 15 और 4, तो ये कितना आ जाएगा 103.75 सेंटीमीटर, ओके। क्योंकि यहाँ से हीट लॉस टिप से भी हो रहा है, यानी कि कन्वेक्शन से भी हीट लॉस हो रहा है। माना कि ये एक फिन है तो यहाँ से तो हीट लॉस हो ही रहा है, साथ में यहाँ से भी हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे ये इंसुलेटेड होती तो ये हम केवल एल लेते, एल सी नहीं लेते इसकी लेंथ, ओके। अब एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम इज इक्वल टू अंडर रूट एच पी अपॉन के ए। इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 4, जैसा कि आप एच दिया हुआ है 15, एच दिया हुआ है 15, पेरीमीटर हम जानते हैं कैसे निकालते हैं 15 इंटू पाई, डायमीटर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा पाई डी। के कितना दिया हुआ है, हीट लॉस और ये दिया है कंडक्टिविटी, के इजिकल टू 50 वॉट, 50 इंटू पाई बाय 4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लूँगा। तो एम की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2.83। एम की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास, यानी कि हम निकाल चुके हैं एम की वैल्यू। थीटा नॉट क्या होता है, थीटा नॉट होता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और जो बेस का टेम्परेचर है उसका डिफरेंस होता है। ये एच, टेन एच दिया हुआ है ना, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, टेन एच की वैल्यू कुछ नहीं निकालनी है, एच की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करनी। ये एल हाइपरबोलिक फंक्शन है, एम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एल सी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू अंडर रूट H की वैल्यू कितनी ही दी हुई है 15 इंटू P की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई इंटू डी, ये फॉर्मूला देखते जाना आप। K की वैल्यू दी हुई है 15, एरिया कितना दिया हुआ है पाई बाय 4 इंटू 0. डी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 0.15, ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेंगे 0.15 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा रूट। ये थीटा है ना बाहर है, इसका इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, बेस का टेम्परेचर तो हमको निकालना है, तो यह जाएगा टी माइनस 25 इंटू, क्योंकि उधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू टेन एच। एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.83, एल सी की वैल्यू निकाल चुके हैं 103.75, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 point, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में लिखना पड़ेगा ना, 1.0375। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और क्यू हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है 75, जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास जो आएगी फाइनली, फाइनल जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 55.17 डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि ये एल सी हमने इसलिए लिया क्योंकि हीट लॉस टिप से भी हो रहा है, यदि टिप से हीट लॉस नहीं हो रहा तो एल सी इज इक्वल टू केवल एल हो जाता है। ये डी वाई फोर कहाँ से आया है, डी वाई फोर यहाँ से आया है जो कि होती कैरेक्टरिस्टिक लेंथ फिन के केस में। यदि हम यही बायोट नंबर के और हेसलर चार्ट के केस में कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ले लें तो वो हो जाती है बी बाय ए। ये किसके केस में है, बायोट नंबर के केस में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला ये होता है, सभी में ये लगाते हैं चाहे वो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन हो, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं इनफाइनाइट लॉन्ग फिन के लिए 10 एच एम एल सी की वैल्यू आ जाती है 1, और इंसुलेटेड टिप फिन के लिए इसकी वैल्यू कुछ आएगी, और एल सी के एल सी जब टिप से भी हीट लॉस हो रहा है तो उस केस में एल को ले लेते हैं एल सी, और ये क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर आ चुका है जो कि है 55.17। ये कहाँ से आया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अ वर्टिकल प्लेट ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर हाइट मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ हीट डिसिपेशन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द प्लेट इफ द एम्बियंट टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। यहाँ पर रेडिएशन से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, केवल हीट ट्रांसफर हो रही है किससे, कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन में भी है नेचुरल कन्वेक्शन। ये इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है, एक प्लेट है जिसकी हाइट है 15 और विड्थ है 10। देखिए अब नेचुरल कन्वेक्शन में जब प्लेट रहती है और प्लेट किस पर है, हीटेड प्लेट रहती है, माना कि ये प्लेट है हीटेड प्लेट है, तो इससे हीट ट्रांसफर के लिए जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी पार्टिकल है वो इससे हीट लेगा और दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगी वो किसके रिस्पेक्ट में बनेगी, वर्टिकल लेंथ के रिस्पेक्ट में बनेगी। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमको हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए नसेल्ट नंबर की वैल्यू भी दी हुई है। यहाँ पर एक और नंबर दिया हुआ है रेले, रेले नंबर मल्टीप्लीकेशन होता है ग्रेशॉफ नंबर प्लस इंटू प्रेंडल नंबर, ये हो जाएगा रेले नंबर आर ए। अब ग्रेशॉफ नंबर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेशॉफ नंबर होता है जी बीटा एल सी क्यू इंटू डेल्टा टी। एल सी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ में आपको बता ही चुका हूँ ये कौन सी आएगी, क्योंकि वर्टिकल प्लेट है इसलिए इफेक्टिव जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी वर्टिकल लेंथ, जी बीटा एल सी क्यू इंटू डेल्टा टी इंटू न्यू का स्क्वायर। अब हमको बीटा निकालना है, बीटा क्या होता है, बीटा होता है ऐसे कि टेम्परेचर को आप एक एवरेज टेम्परेचर निकाल लीजिए, मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है 20 और मैक्सिमम दिया हुआ है 140, तो आप इसको ऐड करेंगे 140 प्लस 20 बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 प्लस 273, केल्विन में निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 353। बीटा इज इक्वल टू होता है एवरेज टेम्परेचर का उल्टा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 353। बीटा की वैल्यू ये यहाँ से आ गई है, एल सी मैं बता ही चुका हूँ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा डेल्टी, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, न्यू न्यू यहाँ पर दिया हुआ है विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.81, बीटा कितना आ गया 1/353 इंटू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी हो जाएगी 0.15 का क्यूब इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 140 माइनस 20 अपॉन न्यू कितना दिया हुआ है 21.09 इंटू 10^-6 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी ग्रेशॉफ नंबर की उसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कैलकुलेटर में। देखिए ये वैल्यू मुझको मिली है, ये है 2253044070.09। अब जैसा कि मैंने बताया था कि रेले नंबर हमको निकालना पड़ेगा रेले, और हाँ ये वैल्यू कम है किससे, 10^9 से, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यदि इससे ज़्यादा वैल्यू होती तो यहाँ पर क्या होता है, केवल जो रेले नंबर है उसकी पावर हो जाती 1/3 और ये वैल्यू सेम रहती, रेले नंबर की पावर हो जाती यदि ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाता तो रेले नंबर पर जो पावर है वो 1/3 हो जाती, बस इतना डिफरेंस आएगा। रेले नंबर का फॉर्मूला होता है प्रेंडल इंटू ग्रेशॉफ, ग्रेशॉफ हम निकाल चुके हैं, इसमें प्रेंडल का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आने वाली है 1751065 0, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसकी पावर हम करेंगे 1/4, जब इसकी पावर करेंगे हम 1/4 तो मैं यहाँ पे लिख दूँ नसेल्ट इज इक्वल टू 0.59 इंटू रेले की पावर 1/4, तो हमारे पास आ जाएगी 0.5 इंटू 64.68, तो नसेल्ट हमारे पास कितना आ गया,
इंटू 0.59, ये आ जाएगा हमारे पास नसेल्ट 38.166। नसेल्ट की वैल्यू आ गई। अब नसेल्ट की वैल्यू जैसे ही आ जाती है, हम जानते हैं नसेल्ट से हम क्या निकालते हैं, एच एल सी वाई के, तो नसेल्ट हमारे पास आ चुका है कितना, 338.166 इंटू, अब के का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और एल सी से डिवाइड कर दूंगा, तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 0.03, और वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कितनी है 0.15। तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 7.63। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब यहाँ पर निकालना है हीट ट्रांसफर के लिए, हो जाएगा क्यू इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 140 माइनस 20। लेकिन ये वर्टिकल प्लेट एक रूम में लटकी हुई है, तो इसकी इस सरफेस से भी हीट ट्रांसफर होगा और इस सरफेस से भी हीट ट्रांसफर होगा, यानी कि एरिया में 2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना, टोटल हीट ट्रांसफर निकालने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है द फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द प्लेट, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 7.63 इंटू 2 इंटू एरिया कितना हो जाएगा 0.15 इंटू 0.10 इंटू 120। तो फाइनली आपके पास जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू आएगी वो आएगी 27.48 वॉट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जैसा भी ला आपको बताइए, और क्वेश्चन सॉल्व चाहते हैं और कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।